हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक सूखी डाली का पात्र परिचय पढ़ा है और बेला अपने काम वाली को, मिश्रानी को कैसे घर से बाहर निकाल देती है, क्यों निकालती है और इंदु को अपनी भाभी बेला पर गुस्सा क्यों आता है। तो इसलिए आता है क्योंकि वो मिश्रानी को काम से निकाल देती है और क्या कहती है, वहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट है कि मंजली बहू जो सब पर हंसती रहती है, वो एक दिन हंसते हुए हंस रही है वो जो इंदु और ये बड़ी बहू बात कर रही थी ना, वही बेला के बारे में कि मिश्रानी को निकाल दिया, तभी वहाँ पर ये आती है मंजली बहू और हंस रही है। उसकी हंसी बंद ही नहीं हो रही है, बार बार वो उससे पूछ रहे हैं, पर बहुत देर तक तो वह हंसती ही रहती है। बाद में वो कहती है कि उसने क्या देखा आज, तो उसने देखा कि कमरे में परेश जब आए, उससे पहले छोटी बहू ने सारा सामान, फर्नीचर सारा कमरे से बाहर निकाल दिया था। तो परेश ने कहा भी कि ये सब बाहर क्यों रखा है, तो वो कहती है कि मुझे ये फर्नीचर पसंद नहीं है। पहले तो वो कहती है, दोनों अंग्रेजी में रिपीट कर रहे थे, मुझे थोड़ा समझ आया थोड़ा नहीं ऐसे, पर इतना तो समझ आया कि छोटी बहू का पारा बहुत चढ़ा हुआ था और इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान करके जब कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल दिया था। और परेश ने पूछा भी तो छोटी बहू ने क्या कहा, इन टूटी फूटी कुर्सियों और सड़े गले फर्नीचर को मैं अपने कमरे में रहने न दूंगी। यानी उसे फर्नीचर कैसा लगा, टूटा फूटा और सड़ा गला, तो ऐसे फर्नीचर को मैं अपने कमरे में रहने न दूंगी। तो परेश ने समझाया कि हमारे बुजुर्ग तो, मतलब अभी आगे बोलना चाहता था कि हमारे बुजुर्ग तो इसी फर्नीचर पर बैठते आए हैं, पर उसकी बात काटते हुए ही छोटी बहू ने क्या कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुचे जंगलों में भी घूमा करते थे, यानी हमारे पूर्वज जो हमारे पहले जो मानव आया तो कैसे थे, उनको कपड़े उसका ध्यान नहीं था, ये सब धीरे धीरे उन्होंने सब सीखा, खाना बनाना सीखा। तो वो कहते हैं हमारे पूर्वज तो नंगे लुचे जंगलों में भी घूमा करते थे, तो क्या हम भी, मतलब गुस्सा तो आया हुआ था छोटी बहू को क्योंकि उसे फर्नीचर पसंद नहीं था और जो सामान पड़ा हुआ था उसने वो भी बाहर निकाल दिया। फिर उस क्या किया, फिर मंजली बहू आगे बताती है, फिर परेश ने कहा भी कि इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, चाचा बैठते थे, पिता बैठते थे, उनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई, और अब ये फर्नीचर अगर ऐसा लेकर मैं दादाजी के पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे कि लड़का तहसीलदार हो गया है इसीलिए इसका दिमाग बहुत चढ़ गया है, मतलब अभी इसको ऐसा फर्नीचर पसंद नहीं है। तो फिर वो, पर उसको तो पसंद था ही नहीं छोटी बहू को, इसलिए उसने क्या कहा, मैं इस सड़े गले सामान को कमरे के पास तक फटकने न दूंगी, इस बेडोल फर्नीचर से तो अच्छा है कि जमीन पर चटाई डालकर सोया जाए। और इस तरह से वह अपने मायके की तारीफ करने लगी। वैसे तो वो 2400 घड़ी तारीफ करती थी ना, तो मेरे मायके में तो ऐसे ऐसे फर्नीचर हैं, अपने बड़े बड़े कमरों और बहुमूल्य फर्नीचर का बखान करने लगी छोटी बहू। तो इस तरह से छोटी बहू ने सारा फर्नीचर कहाँ रख दिया और क्यों, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये वाला वीडियो है, पूरी जो जो लाइंस मैंने बोली हैं वो सब इसमें लिखनी है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 140, पेज नंबर 140 पूरा पढ़ना और अपने शब्दों में लिखना कि छोटी बहू ने सारा फर्नीचर कहाँ रख दिया और क्यों, क्योंकि उसे पसंद नहीं था। उसका घर कैसा था, बहुमूल्य फर्नीचर थे, कीमती सामान थे सब, और जब उसने देखा कि ये सड़ा गला फर्नीचर है तो उसने सारा बाहर रख दिया। फिर परेश आया, परेश ने समझाया कि हमारे बुजुर्ग तो उसने उसकी बात काटते हुए क्या कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लूचे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी। और फिर भी परेश ने फिर से समझाया
कि इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, चाचा बैठते थे, पिता बैठते थे, उनको कभी परेशानी नहीं हुई, और अगर मैं अब दादाजी के पास लाऊंगा, ले जाऊंगा, तो वो क्या कहेंगे कि तहसीलदार हो गया है, इसीलिए इस लड़के का सिर फिर गया है। तो ये हुआ, और फिर से उसको गुस्सा आया, उसने जो बचा कुचा था वो भी बाहर रख दिया और कहा कि ऐसे फर्नीचर से तो ज़मीन पर चटाई बिछा कर लेटना अच्छा है। तो ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का।